आप देख रहे हैं अपना समाचार। सबसे पहले मैं आप लोगों का जो है ना हाथ जोड़ के नमस्कार करूंगा कि आप लोग आए। मल्टीप्लेक्स प्ले जो है ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हर छोटे बड़े प्रोड्यूसर को जो है ना, जो प्रोड्यूसर मतलब मार्केट में काफ़ी तकलीफ का सामना करते हैं, फिल्म बनाने के बाद में कहीं भटकते हैं, अच्छी फिल्म है उनकी, तो हमारी मल्टीप्लेक्स उनकी जो है कंटेंट को आउटराइट में हमारी कंपनी खरीदती है। और मल्टीप्लेक्स जो है ना एक लो कॉस्ट में अपनी कंटेंट को जो है ना यूजर को जो है उनको जो है दिखाने का काम करती है सर। और क्या क्या है इसमें मल्टीप्लेक्स का, मतलब पूरा मीनिंग्स बताइए लोगों को। मल्टीप्लेक्स का मीनिंग ये है कि सर जो भी हम लोग जो इस पे कंटेंट रिलीज कर रहे हैं वो अनरिलीज कंटेंट है, जैसे हिंदी भोजपुरी या वेब सीरीज जो भी फिल्म अगर हम लोग कर रहे हैं, तो मल्टीप्लेक्स इसका नाम इसीलिए रखा गया कि वो कंटेंट जो हमारे मल्टीप्लेक्स पे आएगा वो आपको अदर जगह आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप मल्टीप्लेक्स का मतलब ये भी हो गया कि सर आप इसको बड़े स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जस्ट लाइक आप इसको एक्सेस करके प्रोजेक्टर पे भी देख सकते हैं, थिएटर में भी अगर आप इसको एक्सेस करना चाहें आप थिएटर में भी एक्सेस करके आप देख सकते हैं, टीवी में भी एक्सेस कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हैं, आप कहीं पे भी देख सकते हैं सर। इनमें 15 भाषाओं में मैंने सुना है कि इसमें 15 भाषा है और अलग अलग, विशेष करके भोजपुरी को हम लोग 50% प्रायोरिटी दे रहे हैं सर। और यहाँ पे जितने भोजपुरी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर आए हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर उनका तो मैं धन्यवाद करूँगा कि वो आए। और दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे लोगों से? दर्शकों को यही मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी फिल्म उनको देखना है सर मल्टीप्लेक्स पे देखें, एक लो कॉस्ट पे विदाउट एड, बिना किसी एड का, और स्मूथली प्ले होगा एक अच्छी क्वालिटी में, उन्हें पायरेसी की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 5 से 10 रुपये उनको पेड करके देखना पड़ेगा सर। और जो भी छोटे बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं मल्टीप्लेक्स प्ले से, तो उनके लिए क्या मैसेज है, क्या कहना चाहिए उनके लिए? सर मैसेज तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं फिलहाल एक ही चीज़ कहूँगा कि उन्हें जो कंटेंट बना के जो भटकना पड़ता है, अगर किसी ने अगर 15 लाख में या 50 लाख में किसी ने फिल्म अच्छी फिल्म बनाई है तो मार्केट में जाने के बाद में उसका रेट लोग लगाते हैं 20 लाख 25 लाख, ऐसे मतलब जो है काफ़ी उनकी प्रोड्यूसर की कमर टूट जाती है, तो उसके लिए हमारा मल्टीप्लेक्स खड़ा है सर, जो उन्हें प्लस करके देगी अच्छी कंटेंट हो तो। सर क्या क्या राइट खरीद रहे हैं? परपेचुअल राइट है हमारा, थिएटर रिलीज का भी परपेचुअल वही थिएटर में ही आ जाता है, थिएटर राइट आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ऑल परपेचुअल राइट आउट राइट कंटेंट। जैसे कभी कोई प्रोड्यूसर चाहता है कि थिएटर राइट खुद अपने पास रखे, थिएटर रिलीज के बाकी राइट आपको दे, नहीं वो राइट हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, इस उसके पीछे रीजन है मल्टीप्लेक्स का कि अगर हमारे पास वो चीज़ अगर कहीं और वायरल हो जाती है, थिएटर में ऑडियंस देख लेगा तो हमारे पास मल्टीप्लेक्स पे क्यों देखेगा। बिल्कुल एक स्टैंडर्ड एक मल्टीप्लेक्स का मेंटेन किया गया है कि आपको अगर देखना है फिल्म को तो आप मल्टीप्लेक्स पे देखिए, और थिएटर पे रिलीज होने के बाद में फिर कोई नहीं देखता सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बोलिए। सर प्रथम सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम, नमस्कार, मीडिया को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग आज पधारे हुए हैं, हमारे मल्टीप्लेक्स चैनल जो NKFC प्राइवेट लिमिटेड के प्रेजेंट कर रहा है उसमें हम सोच रहे हैं कि जो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री खास तौर से, वैसे तो हम 15 भाषाओं को लेके चल रहे हैं लेकिन जो एक भोजपुरी आज हमारी एक हर तरीके से डाउन होती जा रही है, कि प्रोड्यूसर बना रहे हैं 50 लाख की, 60 लाख की, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, लेकिन उनको अमाउंट कितना मिलता है सैटेलाइट चैनलों के थ्रू, जैसे 1 करोड़ की फिल्म बनी हुई है तो उसको 85 मिल गया, 90 मिल गया, 70 मिल गया, बाकी पैसा प्रोड्यूसर कहाँ से लाता था? नहीं मिलता था। तो इसीलिए हम लोगों ने पहल की कि ऐसा प्लेटफॉर्म डाला जाए जो सारी फिल्म अच्छी, फिल्म अच्छी मेकिंग, अगर डायरेक्टर उसमें अच्छी मेहनत करता है, प्रोड्यूसर अच्छे मेकिंग करा रहा है और मुझे लग रहा है ये पिक्चर मार्केट में चलने लायक है, स्टार कोई भी हो इससे मतलब नहीं होता स्टार कौन है, अगर वो एक्टर अच्छा है, अच्छी मेकिंग की हुई है, कैनवास अच्छा है, उसमें लग रहा है कि आपने 50 लाख लगा, 50 को 40 की अगर मेकिंग दिख रही है तो मैं आपके 50 की जगह 55-60 देने को तैयार हूँ, इसीलिए प्लेटफॉर्म डाला हुआ है। अभी तक सैटेलाइट चैनल थे लेकिन आउटरेट का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, जो छोटे प्रोड्यूसर हमारे इंडस्ट्री में भोजपुरी खास तौर से भोजपुरी इसमें जो छोटे प्रोड्यूसर आते थे बेचारे वो कहीं से ब्याज पे लेके आ रहे हैं कि कर्जा ले कह रहा है किस तरीके से जमीन बेच के ला रहे, बर्बाद हो रहे थे, दोबारा खड़े नहीं हो पा, एक फिल्म बनाने का दोबारा नहीं खड़े हो पा रहे, कि उन्होंने फिल्म बनाई 50 लाख खर्चा किया, उनको सैटेलाइट से 25 लाख मिल गया, 30 लाख, बाकी वो 20 लाख का जो लॉस है वो कहां से पूरा, थिएटर से जीरो था।
कहीं से कुछ आ नहीं रहा था। हम लोगों की मेन पहल यही है कि इस चैनल के थ्रू यूज के आपकी जो पिक्चर हमने खरीदी अब चैनल पे जाएगी और जितने भी दर्शक हैं सबके पास सबके मोबाइल में वो चीज पहुंचेगी। मेन खास चीज इसका ये है कि जो हमारा चैनल है इसमें एक सिस्टम डाला हुआ है कि आप चैनल अगर हमारा लॉगिन करते हैं आपके इंस्टॉल है तो उस पर आप टीवी से कनेक्ट करके उसको देख सकते हैं। जिस तरीके से आप एक थिएटर में देखने जा रहे हैं अपने टीवी पे आप देखिए, ये पहला सिस्टम इस मल्टीप्लेक्स प्ले में डाला हुआ है। तो हमारा ये चाहेगा जितने छोटे प्रोड्यूसर हैं बड़े प्रोड्यूसर हैं सभी लोग को साल रहें और हमारे चैनल को ऐड करें और आगे बढ़ते रहें। सर बात करें जैसे कि भोजपुरी की भी बात हो रही है तो भोजपुरी सिनेमा सिर्फ थिएटर और यूट्यूब तक सीमित था जी, और अभी जैसे आप और भी प्लेटफॉर्म दे रहे हैं लेकिन एक प्लेटफॉर्म छूटा है ओवरसीज का, जबकि बॉलीवुड फिल्में या और भी अदर लैंग्वेज फिल्में ओवरसीज में इंडिया के बाहर भी रिलीज होती हैं, तो ऐसा कुछ आपका प्लान है ओवरसीज में भोजपुरी इंडस्ट्री की? सर हमारी मल्टीप्लेक्स जो है ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, जो मल्टीप्लेक्स प्लेटफॉर्म है अभी फिलहाल हमारी कंपनी जो 15 डेज के ट्रायल पे सिर्फ इंडिया रिप्रेजेंट कर रही है, आफ्टर मतलब वन मंथ के बाद जो है ये इंटरनेशनल टेलीकास्ट करेगी। तो हमारा जो भी कंटेंट है ये ओवरसीज भी हमारी जो है ओवरसीज के जो ऑडियंस है जो हमारे जो मराठी हैं गुजराती हैं भोजपुरी ऑडियंस है जो भी हमारे रीजनल इंडियन पब्लिक हैं जो बाहर में फॉरेन में रह रहे हैं तो वहाँ से भी एक्सेस करके वो देख सकते हैं। ये जो 15 लैंग्वेज जो 15 भाषा है तमिल तेलुगु जो भी है ये हमारे बाहर के ऑडियंस भी देख सकते हैं सर वहाँ पे। लोग कह सकते हैं भोजपुरी के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आप जो है क्षेत्र खोल रहे हैं कि भाई उनके ज़्यादा बिजनेस होगा भोजपुरी फिल्मों को? बिल्कुल 100% होगा सर, उनकी अगर मेकिंग अच्छी रही सारी चीज़ अगर टीम अच्छा है उन्होंने मेहनत किया अच्छा चीज़ बनाया है तो 100% अच्छा होगा सर उनका। फिल्मों और वेब सीरीज कुछ और भी देखने मिलेगा? सर हमारे पास जो है ना फिल्म और वेब सीरीज वेब मूवी और वीडियो सॉन्ग